जनपद संभल के जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एससी व एसटी वर्ग के छात्रों के बीएड में निशुल्क प्रवेश के संबंध में राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर एससी व एसटी वर्ग के छात्रों के बीएड में निःशुल्क प्रवेश में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। इस विषय में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी का कहना है कि प्रदेश आह्वान पर आज सपा के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रदेश में फैली बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगी शिक्षा को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। साथ ही सरकार द्वारा एससी और एसटी के छात्रों के निःशुल्क प्रवेश पर पाबंदी लगाने वाले फैसले को शासन को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। ज्ञापन सौंपा है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है? आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश आह्वान पर हमारे चारों फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों द्वारा, जो हमारे युव जनसभा, लोहिया वाणी, छात्र सभा और यूथ ब्रिगेड के जो अध्यक्ष हैं हमारे, उनके द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए जिलाधिकारी के द्वारा, जो हमारे बेहाल किसान हैं, महंगी शिक्षा, बेरोजगारी, निजीकरण में भ्रष्टाचार को लेकर के, और हमारे जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं, आरक्षण पर बार है, यूपी में बीएड को लेकर के, जो दलित छात्रों को हमारे निःशुल्क जो शिक्षा दी जाती थी उस पर रोक लगाने का काम किया है, हमारे किसान भाइयों को जो यूरिया का खाद भी नहीं मिल रहा है और हमारे नौजवान बेरोजगार है। इस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने ये वादा किया था कि एक साल के अंदर हम 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 200 करोड़ नौकरी देने का तो क्या, 2 करोड़ नौकरी लेने का वादा इन्होंने कर दिया था, तो उसी को लेकर के आज हम सारे लोग जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दे करके आए हैं, ताकि ये जो ऊँगी बहरी सरकार है इसके कान खुल जाएं और इसकी आंखें खुल जाएं, क्योंकि 2022 में अब वो दिन दूर नहीं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है।